राज्य में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले को लेकर उत्तराखंड युवा एकता मंच की ओर से मंगलवार को चलो ग्लेजियो दरबार न्याय यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के जरिए युवाओं ने घोड़ाखाल मंदिर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पेपर लीक महिला के दोषियों को सजा देने और जोशीमठ भूदशाओं में पीड़ितों के साथ न्याय करने के लिए एलजीयू महाराज से प्रार्थना की गई। इस यात्रा में विभिन्न दलों के लोग सहित सैकड़ों युवा शामिल रहे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। न्याय मिलेगा और हम वहाँ जाके प्रार्थना करना चाहते हैं इस चीज के लिए। आस्था सबकी है गोलू जी पे, हमारी भी है, उनकी भी है, लेकिन वो लोग जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, इसमें न्याय नहीं दे रहे ना। हम लोग अपना न्याय मांगना चाह रहे हैं। 2020 में आर्मी का पेपर वो हुआ था, प्रैक्टिकल फिजिकल वगैरह सब कुछ हो गया था, पेपर अभी तक आगे बढ़ाया जा रहा है। पटवारी का पेपर 2 बार लीक हो चुका है, ये चीजों पे नहीं पहुंच, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारा सब लोगों का ये पैदल यात्रा में गोलचुके मंदिर पे हाजिरी लगाने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार हम लोग युवाओं के साथ साथ नहीं दे रही है और रोजगार नहीं दे रही है। जहाँ भी रोजगार मिलता है या कोई भी पेपर होता है लीक कर दिया जाता है, स्कैम कर दिया जाता है। दूसरा, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार जो भी पेपर लीक प्रकरण हुए हैं उनकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज यहाँ पर प्रदेश का आक्रोशित युवा, प्रदेश का जागरूक इकट्ठा हुआ है और यहाँ से लेकर गोलजू मंदिर घोड़ाखाल तक का यात्रा निकालकर अपने लिए न्याय की मांग, अपने लिए न्याय के लिए, अपने न्याय के लिए यहाँ पर पदयात्रा निकालने के लिए इकट्ठा हुआ है। बेवकूफ बनाया जा रहा है प्रदेश में, युवाओं को ठगा जा रहा है, सारी भर्तियाँ लीक हो रही है, तमाम तरीके के झूठ का सामना प्रदेश के युवाओं को करना पड़ रहा है। सरकार लगातार भ्रमित करने का काम कर रही है और जब सरकार से पूरे तंत्र से जब युवाओं का विश्वास उठ चुका है तो युवाओं ने फैसला लिया है कि गोलजू के दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे।